कभी ना कभी आपका सामना ऐसे ऐसे और ऐसे नंबर जरूर हुआ होगा। क्या आप जानते हैं इन्हें क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। इन्हें कहते हैं फ्रैक्शन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पढ़ाई का और हमारे लाइफ का भी। मेहनत में ब्लॉक है और इसे हम 5 बराबर भाग में बांटते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें से मान लीजिए मैं एक भाग को निकाल दिया, तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1/5। और इसको कैसे लिखाएंगे फ्रैक्शन में? 4/5। इसी तरह अगर ब्लॉक से मैं 2 भाग निकाला, अलग किया, तो इसको फ्रैक्शन टर्म में कैसे दिखाएंगे? 2/5। और इसको कैसे दिखाएंगे फ्रैक्शन टर्म में? 3/5। 3/5 मीन्स इस यूनिट को जो 5 भाग में था उसमें से 3 भाग ये है फ्रैक्शन। एक्चुअली किसी की यूनिट को अगर हम इक्वल भागों बांटें तो एक भाग को दिखाने का तरीका को बोलते हैं। पिज्जा को अगर 4 भागों बांट दिए इक्वली तो एक भाग क्या कहलाया? 1/4। तो हर भाग क्या कहलाया? 1/4, 1/4, 1/4 और ये भी 1/4। उसी पिज्जा को अगर आप 8 इक्वल पार्ट में बांट दिए, कटिंग किए, और फिर एक पार्ट को बाहर निकालते हैं, तो वो एक पार्ट को फ्रैक्शन टर्म में कैसे लिखेंगे? 1/8। अगर मैं आपसे पूछूं 1/4 प्लस 1/4 कितना होगा? 1/4 ये पार्ट और ये पार्ट कितना होगा? हाफ होगा, 1/2 होगा। मीन्स 2/1/4, 2 बार 1/4 मतलब 1/2 मतलब हाफ। मतलब ये पूरा ये जो पोर्शन है इसको हम लोग दिखाएंगे 1/2, और ये पोर्शन जो है ये भी होगा 1/2। क्लियर है? 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। कि 1/2 और 1/4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा देखते हैं। सेम पिज्जा का एग्जांपल लेते हैं। 1/4 मीन्स एक पिज्जा को 4 बराबर भागों में बांट दिए और उसका एक भाग, 4 भागों में बांट दिए उसका एक भाग, ये हो गया 1/4। कह सकते हैं इसको 1/4? यस। 1/2 सेम पिज्जा को 2 बराबर भागों में बांटो और उसका एक भाग, मतलब ये पूरा पिज्जा अगर 2 भाग बांटते हैं, मतलब आधा आधा बांटते हैं, तो आधा किसको कहेंगे? ये आधा कहलाएगा ना, पूरा यहां से लेकर यहां तक। हाफ प्लस 1/4, इसको क्या 1/4 मीन्स हाफ का हाफ। ये जो अगर आप पोर्शन देखें तो ये हाफ का हाफ ये पोर्शन हुआ और ये हाफ पूरा है, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा? 4 भाग बांटे थे और कितना कवर हो गया जोड़ने के बाद, मिलाने के बाद? 1, 2, 3, यही आंसर है 3/4। अगर मैं बोलूं उस पिज्जा को 3 बराबर भाग बांटना है तो कैसे बांटिएगा? मान लीजिए पिज्जा है, 3 भाग बांटना है, कैसे करेंगे? सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दिए, सर्कल में सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। अगर 3 भाग बांटना है उस सर्किल को, क्योंकि पिज्जा सर्किल के रूप में है, तो 3 भाग में बांटने के लिए, 3 इक्वल भाग में बांटने के लिए कितना एंगल रहेगा? 360 डिवाइडेड बाय 3 कितना हुआ? 120। तो 120 मीन्स वो जो सर्किल है वो 3 भाग में बढ़ गया। तो इसे हम लोग करते हैं तो वो बनेगा इस तरह, जो 3 भाग बटेगा वो लगभग इस तरह होगा। तो ये एंगल बनेगा 120 डिग्री का, ये एंगल बनेगा 120 डिग्री का, और ये एंगल बनेगा 120 डिग्री का, ठीक है? तो हर पार्ट, ये पार्ट या फिर ये पार्ट या फिर ये पार्ट, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको फ्रैक्शन के तरीके से, फ्रैक्शन के टर्म में कैसे दिखाएंगे, तो क्या आंसर होगा? 1/3। इसे हम दिखाएंगे 1/3, तीनों को दिखाएंगे, इसको भी 1/3 दिखाएंगे, इसे भी 1/3 दिखाएंगे। क्वेश्चन है,
1 by 3 plus 1 by 3 equal to how much? 2 bar 1 by 3 means 2 guna 1 by 3. 2 guna 1 by 3. तो ये हो गया 2 by 3. इसी टर्म इसी को 1 by 3 ऐड किए तो कौन सा एरिया हो जाएगा? ये हो जाएगा और ये हो जाएगा. तो ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर के ये जो एरिया होगा ये पूरा एरिया को हम लोग क्या दिखाएंगे फ्रैक्शन के टर्म में 2 by 3 और ये रहा 1 by 3 और 2 by 3 1 by 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 by 3 और 1 by 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 होगा. तो ये सर्किल पूरा एक यूनिट बन गया इसलिए हम इसको दिखाएंगे 1.